इमेजिन करो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें इस पूरे धरती के सारे लोग ये तय किए कि हम लोग मिलके 1000 साल तक सो जाते हैं और वो चले गए अपने अपने बेड में, तो 1000 साल बाद जब उठेंगे तो वो क्या देखेंगे आखिर? साइंस का ये एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या हो सकता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1000 साल बाद भी टायर्स नहीं गलेंगे और मधुमक्खी का जो हनी होता है वो तब भी ठीक रहेगा। ऐसे कई इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। नेक्स्ट फैक्ट, ये आर्टिकल अपने स्क्रीन पे देखो और इसे सदी का सबसे बड़े इन्वेंशन में से एक माना जा रहा है। उतना भी बड़ा नहीं लेकिन अच्छा खासा इन्वेंशन है। क्या है कि एक ऐसा लैम्प जिसमें आप सी वाटर को डालते हो, समुद्र का पानी डालोगे, तो एक बार पानी डालने से वो समुद्र का जो नमक होता है और उससे जो केमिकल रिएक्शन उत्पन्न हो सकते हैं उसको इस्तेमाल करके एक ऐसा डिवाइस बना दिया गया दिमाग लगा के कि आप वो लैंप लो, उसको पानी ऐसे समुद्र का उसमें भरो, तुरंत लाइट जल जाएगा और वो लाइट 45 दिन तक जलते रहेगा। सिर्फ एक बार समुद्र का पानी भरोगे 2 सेकंड के लिए, उसी से 45 दिन तक पावर हो जाएगा। ऐसा इन्वेंशन हो चुका है और इसको सॉल्ट वाटर लैंप वाटर लाइट कहा जाता है। और डिजाइन वीक के इस आर्टिकल में आप इस चीज को देख सकते हो। बहुत सारे गांव जहां पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जो समुद्र के पास है वैसे गांव में। मतलब अब इमरजेंसी लाइट या फिर लालटेन की जरूरत है ही नहीं। अरे लेकिन समुद्र की जरूरत है, समुद्र कहाँ से आएगा? अब मेरे ऑडियंस में तो ज्यादातर दिल्ली ऐसे मेट्रो सिटीज में आप लोग बहुत लोग हो, आप लोग को आप लोग बोलेगा क्या हमें पास तो समुद्र है ही नहीं। तब भी जो रहते हैं समुद्र के पास उनका तो भला हो गया है ना। नेक्स्ट फैक्ट, एक बहुत ही अच्छी सी थ्योरी है हमारे यूनिवर्स के बारे में, आपको ये जानना चाहिए। देखो वर्चुअल रियलिटी के बारे में तो आप सुने होंगे, आप जैसी चाहे वैसी दुनिया बना के उसमें जी सकते हो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि वर्चुअल रियलिटी जो है वो रियल लाइफ से भी ज्यादा एडिक्टिव हो जाएगा। मतलब रियल लाइफ एडिक्टिव कहाँ है, लेकिन रियल लाइफ से ज्यादा मजा लोग को वर्चुअल दुनिया में आने लगेगा और लोग अपना ज्यादातर टाइम उसी दुनिया में बिताएंगे। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आप आजकल खरीदोगे तो आपको पहनने के बाद रियल लगेगा लेकिन उतना भी रियल नहीं लगेगा, आपको पता है कि आप तो वर्चुअली देख रहे हो। लेकिन जैसे जैसे वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी आपको रियल लाइफ और वर्चुअल वर्ल्ड में थोड़ा सा ही फर्क नजर आएगा। तो यूनिवर्स के बारे में एक थ्योरी है, बहुत सारे विचारक ये थ्योरी बनाए हैं कि क्या हो अगर यूनिवर्स में एक ही एनर्जी मौजूद हो, एक सिंगल पॉइंटेड एनर्जी, और वो सब कुछ हो और हर चीज हो लेकिन एक पॉइंट के रूप में हो। मतलब सिंपली ये समझो कि सब कुछ एक डॉट में है ऐसा कुछ, और वो तो सब कुछ है, सारी खुशियां उसी में है, सारे दुख उसी में है, सब कुछ उसी में है। मतलब इस बात को डीप माइंडेड लोग समझ पाएंगे तो गहरे लेवल पे जाके सोचो कि वो एनर्जी जो है वही डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में अपने आप को अलग अलग इंसानों के रूप में बना के अपने आप को एंटरटेन कर रही है, क्योंकि वो ऑल पावरफुल है, उसके पास सब कुछ है। एंड जब किसी के पास सब कुछ आ जाता है तो उसको लगता है कि चलो एक ऐसी नकली दुनिया बनाते हैं जहां पे हमारे पास कोई पावर्स नहीं हो, हम नॉर्मल इंसान के रूप में रहें, मौत से डरेंगे, एक थ्रिल मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो ऑल पावरफुल है। तो आपको पता है जो बातें मैंने अभी कही यही स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है, और जो लोग मेडिटेशन में डीप ट्रांसेंडेंटल थॉट्स को एक्सपीरियंस करते हैं वो यही कहते हैं कि उनको ऐसे ही कुछ महसूस होता है कि सब कुछ एक्चुअली में एक है, एक एनर्जी है जो कि नाटक कर रही है अलग अलग फॉर्म्स में रहने का, भगवान गॉड आप सुने होंगे। जो लोग डीप इनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस करते हैं वो ये कहते हैं कि गॉड एक्चुअली में एक एनर्जी है। तो इसका मतलब यही है कि आप और हम सब भगवान है। अब ये लिटरली नहीं लेकिन वो एनर्जी ही अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ये थ्योरी स्टूपिड हो, कुछ ज्यादा ही ओवर स्पिरिचुअल हो, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं ना तो मेरे को लगता है कि ऐसा ही कुछ है। क्योंकि आप ही सोचो ये सब कहां से आया, इतना कुछ डीप थॉट है ना। मतलब डीप माइंड, माइंड को पहले एक जगह करो आप लोग, माइंड को एक जगह करके सोचो ये यूनिवर्स, मैं जन्म लिया, मैं हूं, मेरे पहले मैं कहां था, मैं क्या था। बैठ के माइंड को काम करके सोचोगे तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि डिज्नी ने अपने सेट पे जितने लोग काम करते हैं
एक मूवी में हजारों लोग काम करते हैं ना, अब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हो वो पूरा एडिटर को या फिर फिल्म स्टार्स को थोड़ी जाता है, सब में बढ़ता है। तो अब जो फिल्म खत्म होता है कोई भी, तो इतना सारा क्रेडिट जो जाता है उसमें सारे को क्रेडिट दिया जाता है जितने लोग भी काम किए हैं, 1000-2000 लोग काम करते हैं एक फिल्म में। बट ऐसा नहीं देखा जाता है कि सेट पे जो कॉफी दे रहा है, जो कॉफी मैन है, जो सबको कॉफी जाके देता है, उसका भी नाम कभी आया। लेकिन डिज्नी का आप जूटोपिया और बाकी फ्रोजन और बहुत सारे मूवीज का आप क्रेडिट सीन देखोगे इन एनिमेशन मूवीज का, तो कैफिनेशन सेक्शन में एंड क्रेडिट में आपको दिख जाएगा कि जो कैफीन वाला लड़का है उसको भी ये लोग क्रेडिट किए हैं। मेरे हिसाब से ये सही है, वो भी तो मतलब मूवी को ही ना, मूवी के पार्ट में ही है वो, तो ये सही है कि कैफीन कॉफी वाले गाय को भी ये मिल रहा है क्रेडिट। नेक्स्ट फैक्ट, ताज होटल जब 1903 में खुला था तब उसमें दो टाइप का रूम था। एक रूम का जो प्राइस था, अभी ताज होटल का प्राइस कितना है आपको हजारों 20-30-40-50 हजार रुपए मिलेगा एक रूम एक रात के लिए, क्योंकि वो लग्जरी होटल है। पहले के टाइम जब 1903 में खुला था तब एक रात के लिए नॉन प्रीमियम रूम का चार्ज था 13 रुपए और फुल प्रीमियम वाला रूम था 20 रुपए में। इसका आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मतलब इन्फ्लेशन कहां से कहां चल गया भाई, बाप रे बाप, मुझे तो फ्यूचर का सोच के डर लगता है सही में। इन्फ्लेशन जो है ना ये सबसे डरावने चीजों में से एक है, एकदम रियलिस्टिक डरावना। ऐसा नहीं कि भूत प्रेत जो काइंड ऑफ रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एक्चुअली में सबको इफेक्ट करेगा। सोचो 50 साल बाद 60 साल बाद अगर 5-6% से भी इन्फ्लेशन बढ़े, तो आज अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली को 10-15 हजार में घर चल जाता है, 10-15 हजार कोई कमाता है महीने का तो घर चल जाता है ना, तो उस टाइम 30-40 साल बाद 10 लाख रुपए एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए होगा महीने का। इसका सॉल्यूशन यही है कि अपने आप को टैलेंटेड बनाओ, थोड़ा स्किल डेवलप करो, ऐसा स्किल डेवलप करो अपने अंदर कि आप कुछ काम को कर पाओ, आपको कोई जॉब मिल जाए। स्किल जो है, जो आप नॉलेज सीखते हो, नॉलेज कुछ वो परमानेंट रहता है। नॉलेज जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, क्योंकि नॉलेज परमानेंट है। एग्जिस्टिंग कमाया हुआ पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा, बैंक में कितना बढ़ता है। और जो लोग रिस्क लेते हैं वो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, मेरे हिसाब से सही है म्यूचुअल फंड। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, लेकिन यही है कि स्किल डेवलप करो, स्किल से आप भविष्य में पैसा कमा पाओगे। क्योंकि देखो पैसा का वैल्यू अगर कम होगा भविष्य में, अब मिडिल क्लास फैमिली को 10 लाख रुपए चाहिए होगा 2060 में, जब आप बुढ़े हो जाओगे तब, तो उस टाइम जो जॉब्स होंगी वो भी तो 1-2-3-4 लाख दे रही होंगी ना, क्योंकि उस टाइम उतना का क्या वैल्यू है। तो आपके पास अगर स्किल होगा कि आप किसी कंपनी को बेनिफिट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको पैसा भी तो मिलेगा। इसलिए अपने आप को चार्ज अप रखो भाई लोग, और एग्जिस्टिंग कमाए हुए पैसे पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्ट, 1987 में एक इंसान अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए ऑनलाइन पैसा मांगा, बहुत लोग उसको मदद किए। वो क्या बोला पता है, कि आप मुझे एक एक पैसे का मदद कर दो, मतलब उनके भाषा में पेनी होता है उधर अमेरिका साइड, तो पेनी में मदद कर दो मेरा, कुछ पैसे सबको ही दे दो। और आपको पता है सबको ही कुछ पैसे 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 मिला दिए, मिला के उसने अपने हायर एजुकेशन के लिए, जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, 2.8 मिलियन कॉइन को इकट्ठा कर लिया, यानी करीब $28,000। मतलब ऐसा इतिहास में पहली बार था जब सब कोई कुछ पेनी दिए हैं, $1 से भी कम दिया है हर कोई, और वो मिल के किसी एक इंसान के हायर एजुकेशन में मदद आया। इस घटना के बाद फिर ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये हुआ था 1987 में। आप याहू का ये आर्टिकल देख सकते हो कि एक इंसान ने 2.8 मिलियन पीपल को कन्विंस किया एक एक पेनी देने के लिए, एंड उसको मिल भी गया। मतलब वही कि अगर कोई मान लो जरूरतमंद है, और मान लो कि जैसे कि 1-2 लाख लोग हैं, अब ऑनलाइन तो बहुत लोग हैं, तो सब अगर 1-1-1-1-1-1 रुपीज भी दिए तो लाखों बन सकते हैं वैसे ही। नेक्स्ट फैक्ट, एसर से कॉमिक। एसर से कॉमिक मतलब, ये एक नया वर्ड जान लो, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि आज तक कभी भी अपना बाल नहीं कटवाया। ऐसे यूनिक वर्ड्स को जान के रख लेना चाहिए और इसको याद कर लो, एसर से कॉमिक। इसको याद करने का कोई इजी टैक्टिक भी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ड है थोड़ा, एसर से कॉमिक। तब भी ऐसा फोटो अपने माइंड में रखो, बड़े बड़े बाल वाला। एसर जो ब्रांड है ना पीसी वाला, उसको याद कर लो, एसर और एक कॉमिक बुक को याद कर लो, ठीक है? तो एसर से कॉमिक होता ना, राम ने श्याम से लिया, वैसे एसर ने कॉमिक से लिया, एसर से कॉमिक, वैसा टाइप का कुछ। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि अर्जेंटीना में श्री कृष्ण का एक इतना बड़ा भक्त है कि वो जब भी कहीं पे जाता है, मान लो वो बस में ट्रैवल कर रहा है, तो बस में वो अपने साथ साथ और एक सीट बुक करके रखता है
श्री कृष्ण के लिए, मतलब उनका भावना, उनका डिवोशन है, और वो इतना डिवोशन है उनका कि वो एक्स्ट्रा सीट बुक करते हैं, सोचते कि मेरे भगवान बैठे हुए हैं। इस भक्त के बारे में आप आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये है मिस्टर जोस, और सबसे अमेजिंग बात कि ये अर्जेंटीना में रहते हैं और ये विश्व के सबसे पॉपुलर भक्त में से एक है। नेक्स्ट फैक्ट, इतिहास के सबसे ज्यादा कमाने वाले मूवीज का आप लिस्ट देखोगे तो 4 मूवीज में से 3 मूवीज सिर्फ एक डायरेक्टर ने बनाया है, जिसका नाम है जेम्स कैमरॉन। ये इतिहास के पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके 3 मूवीज $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया है। आप तो मूवी सुनते होगे ना कि 500 करोड़ कमा ली, 300 करोड़ कमा ली। इनके 3-3 फिल्मों ने ईच एक एक 16,000 करोड़ कमाया है जेम्स कैमरन। और मूवी ऑफ कोर्स वही है एवटार, या फिर अवतार जो भी बोलो, और टाइटैनिक। नेक्स्ट फैक्ट, अच्छा इमेजिन करो कि हम लोग सब ये तय किए, धरती के सारे लोग तय किए कि अब हम लोग सो जाएंगे 1,000 साल के लिए, अब थोड़ा धरती को रेस्ट देते हैं, और सब सारे लोग अपने अपने बंकर में चले गए। ध्यान रखना एक भी इंसान धरती पे नहीं है, सब सो गए। अब साइरोनिक्स जैसा टेक्नोलॉजी तो है ही, जैसे मार्वल में आपने कैप्टन अमेरिका के बारे में तो सुना ही होगा, या फिर जो जानते हो तो जानते ही होंगे कि वो बर्फ में फ्रोजन था और वो जगा था बहुत सालों बाद जब पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वो उठ के देखा था तो मतलब पूरी दुनिया बदल चुकी है, और क्योंकि वो फ्रोजन था तो वो एज नहीं किया। बहुत सारा कंपनीज, जैसे कि मैं आपको पहले फैक्ट में बताया हूँ कि बहुत सारे कंपनीज ऑफर कर भी रही है ऐसा कुछ कि वो आपको बॉडी को फ्रीज करके रख देगा, मतलब ज्यादातर जो मरने वाले हैं वही लोग इन सर्विसेज को लेते हैं ताकि 200-300 साल बाद वही स्टेट में बॉडी वापस जिंदा हो सके। क्योंकि बॉडी अगर बर्फ से फ्रीज रहेगा तो एजिंग भी तो रुक जाएगा, सारे सेल्स भी तो रुक जाएंगे। तो हम लोग सब वैसे ही किए हैं, और अलार्म लगाएं साल 3023 का, 2023 में 1000 ऐड कर दो। अंडरग्राउंड बंकर्स में सब कोई आराम से सो रहा है, तो सोने के बाद ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज ये होगी कि अब लाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ 1-2 हफ्ते या 1 महीने बाद आपका शहर पूरा रात में अंधेरा रहेगा विदाउट लाइट्स, क्योंकि उसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। 1 हफ्ते बाद तक ना कोई गाड़ी का हॉर्न आपको सुनाई देगा, सारा रास्ता खाली, सारे गाड़ियां एक जगह रुकी हुई है, हवा चल रही है, और माहौल इतना शांत है, और पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरी तरह से, एक भी आवाज कहीं से भी नहीं आ रही, सिर्फ नेचुरल आवाजों को छोड़। टीवी रेडियो सब काम करना बंद कर दिया, सारे सैटेलाइट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, और धरती के चारों तरफ इतने सैटेलाइट्स हैं, सब एक एक करके गिरने लगेंगे, और धरती से नजारा होगा ऐसा लगेगा कोई मीटराइट गिर रहा है चमकता हुआ, लेकिन उसको देखने वाला कोई होगा ही नहीं। आपका घर, आपका रूम कितने अच्छे से रखते हो आप अपने रूम को साफ सुथरा, मतलब आपका रूम जो दिख रहा है, आप कहीं जाते हो घर बंद करके कहीं गांव या फिर कहीं भी, फिर 2 महीने बाद आते हो तो फिर घर का क्या हाल होता है चारों तरफ। 1 साल बाद वैसे ही हो जाएगा आपका घर, और घर मकड़ा घर बन जाएगा पूरी तरह से, और चूहा का टट्टी दिखेगा चारों तरफ। सारे फूड आइटम्स 10 साल बाद पूरी तरह से खराब हो चुके होंगे। फिर 100 साल बाद बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स कुछ ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि जब इंसान जाएगा तो नेचर ओवरटेक करेगा इस धरती को, और सड़क पे आपको सांप, हाथी, घोड़ा सब दिखेगा भरा हुआ, और जो नियर एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, इनडेंजर्ड, उनका पॉपुलेशन हजारों लाखों के तादाद में बढ़ चुका होगा आज से 200-300 साल बाद तक, तब भी इंसान सो रहा होगा। इमेजिन करो, मतलब एक चीज ये नोटिस करो आप कि ऐसा अगर हुआ तो साइंटिफिकली नेचर रिकवर कर लेगी, और सारे जानवर, पक्षी, ये सब हेल्दी रूप में आ जाएंगे पूरी तरह से। 500 साल बाद सिटीज को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा, और जो बिल्डिंग्स आरसीसी से नहीं बना हुआ है, मतलब अभी की दुनिया में आपको 2 टाइप का अपार्टमेंट देखने मिल जाएगा, पहला वो जो कि ईंटों से बना हुआ है, दूसरा वो जो कि पूरा एक सॉलिड सीमेंट, उसमें ईटा का यूज नहीं होता है, सीमेंट होता है, माइवन आरसीसी टेक्नोलॉजी उसको कहा जाता है। तो माइवन वाले बिल्डिंग तो अभी भी इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन ब्रिक्स वाले सारे टूट चुके होंगे, और प्लास्टिक अभी भी होगा। सोने के 500-700 साल बीत चुके हैं, लेकिन प्लास्टिक अभी भी डिकम्पोज नहीं हुआ है। 1,000 साल बाद फाइनली इंसान जगेगा और देखेगा दुनिया को, सब कुछ नेचर नेचर हो रखा है, नेचर नेचर। 1,000 साल बाद जब सब कोई उठा
तब प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज हो चुका है फाइनली। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ग्लास के बॉटल होते हैं ना ये वाले, इसको डिकम्पोज होने में, पूरी तरह से लुप्त होने में अगर छोड़ दिया जाए मिट्टी के ऊपर 4000 साल लगते हैं, 4000 ईयर्स। लेकिन उठने के बाद जो लोग अपने किचन में हनी रखे होंगे शहद, वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। जो प्योर शहद रखे होंगे अपने घरों में, वो शहद वैसा ही का वैसा ही रहेगा। साल 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट ने 3000 साल पुराना हनी इजिप्ट के टॉम से इवैक्यूएट किया था, और वो भी एकदम खाने लायक था। अब बोलो, हनी सही में गजब है भाई। हनी, कल से हनी खाऊंगा, क्योंकि हनी में ऐसा प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है मैं खाऊं तो अमर बन जाऊं, मे बी। लेकिन 3023 आ चुका है, लेकिन जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसा हुआ था, वो जो रेडिएशन फैला था चारों तरफ, वो आज भी वहीं पे है, ऐसा देखने मिलेगा लोगों को, क्योंकि उसको हटने में 20,000 साल लगेंगे। साइंस की दुनिया में जो रेडिएशन फैलने वाली घटनाएं है ना, बहुत खतरनाक है। अगर कोई जगह पर फैल गया तो वो जगह ऐसा बन जाएगा कि 20,000 साल तक आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर कैंसर डेवलप होगा, बीमारियां होंगी। इतनी अजीब बात है ना, रेडिएशन नेचर का एक श्राप है, आप बोल सकते हो। जो कहते हैं ना श्राप, वो रियल में श्राप है रेडिएशन। तो इंसान 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल उठे तब भी कुछ नहीं होगा, 20-30 हजार साल बाद जाके, तब जाके वो रेडिएशन फ्री बनेगा। ऐसी घटना हुई थी चेर्नोबिल में, अजीब बात है। तो ये होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हमने इमेजिन किया, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बीच बीच में हमने पिकअप किया। नेक्स्ट फैक्ट, ये एक बहुत ही वियर्ड सी लेकिन एक रिलेटेबल टाइप की बात आपको लगेगी, कि आपके सामने जब कोई आदमी हाथ में कुछ लिया रहता है और वो गरम लिया रहता है कुछ अपने हाथों में, उसके हाथों में वार्म्थ फील होता है, तब वो आपसे ज्यादा कोऑपरेट करेगा, ये ज्यादा आपका चांस बढ़ जाता है। जी हाँ, स्टडीज में ये पता चला है कि अगर किसी के हाथ में कुछ ठंडा सा चीज पकड़ा हुआ है वर्सेस कोई आपके सामने कुछ गरम लेके पकड़ा हुआ है, या फिर मान लो गरम चाय पी रहा है उसको वार्म्थ फील हो रहा है, तो इससे ये पता चला है कि वो ज्यादा केयरिंग और ज्यादा कोऑपरेशन करने लगता है। क्या है कि इवोल्यूशन ने इंसान को ऐसा बनाया है कि हमें वार्म्थ बहुत पसंद आता है। जब पहले इंसान गुफा में रहते थे वो ठंड से बच के रहते थे, वार्म्थ में रहा करते थे, गरम कपड़ा ओढ़ने से वो सेफ फील करते थे। इसलिए गर्माहट जो है, वार्म्थ, ये नेचर हमें पॉजिटिव चीजों से एसोसिएट करता है, और यही एवोल्यूशनरी प्रॉपर्टी हमारे माइंड में आज तक है। इसलिए घर में आपके कोई आए तो ठंडा मत पूछो, मतलब गरम पूछो, गरम में क्या लेंगे आप, बहुत को बोलते हैं ठंडा लोगे या गरम। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन अगर आप उसको गरम चीजें पिलाओगे, जैसे कुछ भी गरम गरम, तो उसका मूड कंपेरेटिवली बेटर रहेगा। आप इसके ऑफिशियल रिसर्च आर्टिकल्स को देख सकते हो, जैसे कि स्टडी लिंक्स वार्म हैंड्स वार्म हार्ट एंड बाकी चीजें, ये एक्चुअली में साइंस ने बताया है एक साइंटिफिक बेसिस पे। नेक्स्ट फैक्ट, आपने बाइक्स और कार के शीशे में ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिख रहे शीशे में वो असल में पास है लेकिन आपको दिखते दूर है। तो आप जब भी बाइक या गाड़ी चलाओगे तो इस छोटे से फ्रेज जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब यही होता है, जिसके बारे में हम जान के भी बहुत बार अनजान रहते हैं, कि जो चीजें आपको दिख रही है शीशे में वो आपको थोड़ा वाइड व्यू मिलता है, तो इसलिए आपको जो गाड़ी पीछे आता हुआ दिखेगा वो आपको लगेगा कि हाँ बहुत दूर है, असल में वो पास रहता है, वो थोड़ा वाइड व्यू होता है इसलिए आपको दूर दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो पास में होता है, और इसलिए ये वार्निंग दिया रहता है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि सिंगापुर जैसे जगहों में आपको एक चीज नोटिस करने मिल जाएगा, कि वहां पे आपको खेत, एग्रीकल्चर वाला खेत ना के बराबर मिलेगा। आप इस फ्रेज में देख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से ग्रीनलैंड, सिंगापुर, बहामास, नॉर्वे, ये ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड ना के बराबर है। मतलब जैसे इंडिया में कितना एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन वहाँ पे आपको यही नहीं देखने मिलता है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और भी बहुत सारे वीडियोस आपके स्क्रीन पे, आप इन्हें भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।